बाघ नाम लेते ही रोमांच आ जाता है, आनंद आ जाता है। और हम तो और सौभाग्यशाली हैं, कैपिटल और भी है, कई राज्य है, लेकिन हमारी भोपाल की कैपिटल अब सब पे भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ दिन में मनुष्य घूमते सड़कों पे, रात में बाघ घूमते। कोई राजधानी ऐसी नहीं है जहां ये बाघों का ऐसा विचरण होता है। हम अपनी अपनी टेरिटरी में अपना अपना आनंद लेते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है, बदलते दौर में ये अनुभव भी हो रहा है। मैं अभी बुल फार्म पे गया था तो बता रहे थे कि वैसे ये इधर ऊपर जा करके, तो हमने कहा भैया कुछ साउंड सिस्टम वगैरह भी लगा लो, अभी तक तो उधर ही है, क्या पता इधर भी आए। तो बोले नहीं, वो हाइट बढ़ा रहे हैं साहब, कुछ चिंता कर रहे हैं। वैसे तो भगवान की दया है, लेकिन ये सुखद संयोग भी है, अच्छी बात भी है। यद्यपि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में की है, और वो जो आजादी के समय के चित्र आप लोग ही बताते हो, दौर ऐसा गया जब राजा अपने शिकार की गिनती बंदूक से मारे जाने वाले मूक पशुओं से अपने आप को गौरवान्वित होने का मौका मिलता है। लेकिन इस गलती की कीमत कैसे चुकाना पड़ती है, ये हम सबको ध्यान में आया है। बाघ के पक्ष में बहुत सारी बात है, हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है। बाकी राज्यों से जैसे हमारी राजधानी विशिष्ट है, ऐसे ही संख्या में भी हम विशिष्ट है। लगातार कम समय में 20% से ज्यादा बाघ पूरे देश के, दुनिया की आधी से आबादी ज्यादा हमारे पास है, और उसमें भी हमारा अपना जो आंकड़ा है। और विभाग को बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि आपने तो कमाल कर दिया है, एक के दो तो सुने थे, एक के तीन कर दिए।